हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर ऑमलेट। तो आइए देखते हैं पनीर ऑमलेट में हम क्या क्या डालते हैं। पनीर ऑमलेट के लिए हमने पनीर लिया है, यहाँ पर 400 ग्राम पनीर है। इसे हम क्रम्बल करके मिक्सी में हम पेस्ट बना लेंगे। और इसमें डालने के लिए हमने यहाँ पर प्याज, हरा धनिया, हरा मिर्चा और यहाँ टमाटर है। यहाँ पर हमने कुटी हुई काली मिर्च ली है और नमक लिया है। और यहाँ पर हमने 4 चम्मच बेसन लिया है, जिसमें हम मिक्स करेंगे ताकि हमारा ऑमलेट अच्छी तरह से बन पाए। तो आइए चलते हैं अब हम पनीर को पेस्ट बनाने। यहाँ हमने पनीर का पेस्ट बना लिया है। इसी प्रकार हम सारे पनीर को पेस्ट में बदल कर इसमें हम डालते हैं। सारा हम पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। A few moments later, पनीर का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अरे, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर और सारा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें। बेसन को हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। अब इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को भी डालकर मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे सबको डालकर। मिलाकर फिर दिखाते हैं। पनीर ऑमलेट का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं ऑमलेट बनाने। ऑमलेट बनाने के लिए हमने पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें अब हम 1 चम्मच बैटर डालेंगे। हल्का सा इसे फैलाएंगे, ज्यादा हमें नहीं फैलाना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। एक साइड जब पक जाएगा फिर हम इसे पलटेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। ऑमलेट को हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है। इसी प्रकार हम सभी ऑमलेट को सेक लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। पनीर ऑमलेट बनकर बिल्कुल रेडी है, काफ़ी टेस्टी हुआ है। इसे हमने सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। एक चीज़ हम यहाँ बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जब भी पनीर ऑमलेट बनाइए तो मलाई पनीर उसमें मत डालिए। या तो आप घर में पनीर फाड़ के बनाइए या फिर मार्केट से भी लीजिए, तो जो सिंपल पनीर होता है वो लेके बनाइए। और बेसन आप चाहें तो थोड़ा बेसी भी डाल सकते हैं, स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आगे नए वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।